आज नहीं आजिद साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आजिद साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो का केस, आज काजी फैज ईसा साहब के जो रिमार्क्स थे वो फरमाते हैं ये सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस की मेरिट्स पर नहीं जा सकती, अदालत सिर्फ ट्रायल शफाफ होने की हद तक देख सकती है। आजिद साहब, आपकी नज़र में काजी फैज ईसा साहब इस केस के अंदर कोई प्रेसिडेंट सेट करने वाले हैं, कोई बेंचमार्क सेट करने वाले हैं, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ देने वाले हैं, क्या वो दे पाएंगे सर, इन योर ओपिनियन? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, मैं अब काजी साहब के जहन की और अंदर की बात का पर तो कसरा नहीं कर सकता, मगर उनके एक इकदाम को जरूर मेरी पूरी पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम कारकुनान और जमहूरियत पसंद आवाम ने खुशाइंदा करार दिया था।